हम आज आपको जनरल जोरावर सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज लद्दाख भारत का हिस्सा है। अगर जनरल जोरावर सिंह नहीं होते तो आज लद्दाख भारत के पास नहीं, चीन के पास होता। आज चीन के पास जो तिब्बत है वो भी किसी दिन डोगराओं की ही रियासत में आता था। महान क्षत्रिय योद्धा जनरल जोरावर सिंह ने लेह, लद्दाख, गिलगित, बल्टिस्तान को जीतकर डोगरा साम्राज्य में फैलाया था। जनरल जोरावर सिंह का जन्म 13 अप्रैल 1786 ईस्वी को गांव असरा चंडेल राजपूतों के रियासत बिलासपुर में एक कहलूरिया राजपूत खानदान में हुआ था। कहलूर रियासत में राज करने की वजह से इनके वंशज आगे जाकर चंडेल से कहलूरिया राजपूत कहलाए, जो आज भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आबाद हैं, जहां पर जनरल जोरावर सिंह का महल भी है। जनरल जोरावर सिंह ने 16 वर्ष की आयु में ही अंसरा से आजीविका की तलाश में हिमाचल से जम्मू चले गए। जनरल जोरावर सिंह महाराजा गुलाब सिंह की सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में भर्ती हुए। वो अपनी वीरता व योग्यता के बल पर रियासी के किलेदार व किश्तवाड़ के गवर्नर बने। महाराजा गुलाब सिंह ने उन्हें 1821 ईस्वी में किश्तवाड़ का गवर्नर नियुक्त किया व वजीर की उपाधि से सम्मानित किया। वे इस पद पर 1836 ईस्वी तक रहे। जनरल जोरावर सिंह ने 1834 ईस्वी को किश्तवाड़ के रास्ते सुरू नदी घाटी को पार करके लद्दाख क्षेत्र में अपना इलाका बनाया। 1840 ईस्वी तक लद्दाख व बल्टिस्तान को जीतकर जनरल जोरावर सिंह ने डोगरा साम्राज्य की नींव भारत से लेकर आज के चाइना के तिब्बत तक फैला दी थी। वे तिब्बत के रास्ते होते हुए पूरे चीन को अपने डोगरा साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। वे चंडेल वंश के एक महान क्षत्रिय योद्धा थे। जब वे लेह, लद्दाख, गिलगित, बल्टिस्तान, तिब्बत को जीते हुए चाइना की तरफ रवाना हुए तो धोखे से पीछे से हमला करके उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो दो टुकड़ियों में बटी दुश्मन सेना ने के बीच एक युद्ध हुआ। वो युद्ध महाराजा गुलाब सिंह के जनरल जोरावर सिंह की पार्थिव शरीर को लेने के लिए था, लेकिन आज कुछ दुगले लोग इनको अपना बताने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों को लास्ट बार धमकी जा बोल रहा हूँ सीधे कि अपनी आदतों को सुधार लो, 20 साल के इतिहास वालों, अस थोड़ी रिस्पैक्ट करने, लेकिन इरा मतलब ये नहीं है कि तुसी मतलब किसी भी राजपूत योद्धा दी अपना बनाई लगे, ठीक है। तो जनरल जोरावर सिंह एक चंडेल राजपूत हे, कहलूर रियासत मतलब चंडेल दी कहलूर रियासत ही हिमाचल विच, तो इसलिए वो जम्मू कश्मीर विच आए। जम्मू कश्मीर विच आए तो रियासी दे राजा बने जनरल जोरावर सिंह। अज भी उनके वंशज उधर अपने आप दी कहलूरिया राजपूत कहलांदे, जिदा कि चौहान से हाडा राजपूत निकले जां कशवाहा से शेखावत राजपूत निकले, ऐसे ही हिमाचल के चंडेल राजपूतों से कहलूरिया राजपूत निकले। कहलूर रियासत पर राज करने की वजह से उनके वंशज कहलूरिया राजपूत कहलाए, ठीक है। क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह के जनरल थे, जम्बाल के जनरल थे, डोगरा महाराजा के, ना कि किसी और के। क्योंकि महाराजा 1802 ईस्वी से पहले भी जम्मू कश्मीर पर डोगराओं का ही राज था। 1802 में जब सिखों ने जम्मू कश्मीर की राजपूत रियासत पर हमला किया तो मियां डिडो
के बीच बहुत ज़्यादा फाइट हुई है ना। तो 1802 से लेकर 1822 तक मियाँ डीडो बैटल चला। मियाँ डीडो से तंग आकर रणजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू का जनरल बना दिया, तो वो अलग हो गए। ठीक है, इससे पहले भी 1802 से पहले भी हजारों सालों से क्षत्रिय राज करते आ रहे थे। 800 ईस्वी से लेकर 1802 ईस्वी तक देव डेंसिटी का राज था, जिसके लास्ट महाराजा रणजीत देव सिंह जम्बाल थे। उससे पहले राजा ध्रुव देव जम्बाल थे, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में बता भी चुके हैं। पंजाब पर भी क्षत्रियों का राज था शुरू से। तो 1837 में पंजाब पूरी तरह से गुलाम हो गया था, और पंजाब के प्रधानमंत्री भी एक मियाँ दयान सिंह जी थे। ठीक है, तो 1837 में मतलब कि रणजीत सिंह की डेथ के बाद पंजाब पूरी तरह से गुलाम हो गया था, जो 1947 तक गुलाम रहा। एक अकेली एक डोगरा रियासत थी जो कि हमेशा आज़ाद रही, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह और उनके जनरल ने जम्मू पूरे मतलब 22 राजपूत रियासतों को इकट्ठा करके जीता था। लेह लद्दाख गिलगित बल्टिस्तान उनके डोगरा जनरल जोरावर सिंह ने जीत कर दिया था। तिब्बत बल्टिस्तान जो अफगानों के पास था उसको जीतकर जनरल जोरावर सिंह ने डोगरा महाराजा गुलाब सिंह जम्बाल जी को दे दिया। जोरावर सिंह पहले ऐसे राजा हुए जिन्होंने पश्चिमी तिब्बत को अपने अधीन करा। पंजाब तो उस वक्त गुलाम था, फिर जनरल जोरावर सिंह तुम्हारे लिए, उनका तो आपसे कोई कनेक्शन ही नहीं था, वो डोगरा महाराजा गुलाब सिंह के जनरल थे, आपने उनको खुद अपना बाप बना दिया। ठीक है, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, सबकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुन लेंगे। राजपूत है राजपूत, ठीक है, तुसी 10 भारी होने, अस 11 भारी हैं। असें पंजाब बिच भी पहले क्षत्रियों का राज हा, पंजाब दे महाराजा जयपाल जंजुआ का इतिहास पढ़ लो। 1947 से पहले भी अंग्रेजों के वक्त भी पंजाब में भी सबसे ज़्यादा ज़मीनें राजपूतों के ही पास थी। पूरे देश पर तो क्षत्रियों का ही राज था, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, आज़ादी के वक्त सबसे ज़्यादा रियासतें राजपूतों की थी। लेकिन जो एक हम इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि पूरे देश में क्षत्रियों का राज था, हम बात करें जनरल जोरावर सिंह की, जिसको कोई अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन वो मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि डोगरा कोई भी हो, ठीक है, डोगरा कोई भी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो या जो भी हो, मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस महान राजा पर प्राउड करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वो महाराजा गुलाब सिंह के जनरल थे, और उस डोगरा किंगडम के बाद भी कई महाराजा हुए, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, लास्ट महाराजा हरी सिंह हुए। आज भी जम्मू कश्मीर में हरी महल है, कठुआ में जसरोटा महल है, इसके अलावा रियासी में भीमगढ़ फोर्ट है, विजयपुर फोर्ट जो कि जनरल जोरावर सिंह जी का है, इसके अलावा अखनूर फोर्ट, इसके अलावा उधमपुर का रामगढ़ रामकोट फोर्ट जो उधमपुर का, इसके अलावा बिलावर में आदि में कई महल जो क्षत्रियों के हैं, राजपूतों के हैं, जो हजारों सालों के हैं, देव डेंसिटी के डोगरों के। ठीक है, तो हजारों सालों से राज करते हैं, उनकी भी रास्ते आज भी मौजूद है, आज भी जिंदा है। लास्ट महाराजा ही हरि सिंह थे जी थे। ठीक है, हमारी भी रास्ते हैं, हमारे महल हैं, रजवाड़े हैं, ठीक है, तो बेवकूफ़ों वाले काम मत करो, लास्ट वो है। ठीक है, इसके बाद अगर किसी ने भी वीडियो बनाई जनरल जोरावर सिंह पर, तो मैं सभी को चेतावनी देना चाहता हूँ, जनरल जोरावर सिंह थे वो लास्ट तक हिंदू राजपूत ही रहे थे, उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं किया था। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि वो एक हिंदू चंडेर राजपूत थे, वो एक हिमाचली राजपूत थे जो जम्मू कश्मीर में आकर बसे, उनके वंशज आज भी अपने को क्षत्रिय ही कहते हैं। सो लास्ट सारे रिस्पेक्ट करते, लेकिन अब किसी ने भी फालतू का प्रोपोगंडा किया तो फिर खैर नहीं।